नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दया डेयरी फार्म पर एक बार फिर से भाई सभी भाइयों का स्वागत है। भाई आज की वीडियो PDFA मेले को लेके है। भाई जैसे भी हमने पहले वीडियो डाली थी कि भाई बूस्टिंग पर रोक लगनी चाहिए और भाई BFA मेले में आपने सभी ने देखा कि भाई रोक लगने के बाद क्या कुछ रिजल्ट रहा मुर्रा भैंसों का। काफ़ी हद तक भाई गिरावट आई दूध में और 22 किलो 300-400 ग्राम ऐसा ही कुछ था कि भाई भैंस पहले नंबर पर रही। तो भाई ऐसा ही बुस्टिन को रोकने के लिए भाई PDFA ने भी भाई जो है तैयारी कर ली है, जो कि 3-4-5 का जो है मेला लगने वाला है जगराओं के अंदर। काफ़ी अच्छा और बढ़िया मैनेजमेंट होता है भाई कमेटी का, और जो भी भाई अपना पशु ले जाने का इच्छुक है वो भाई अगर मिल्किंग में ले जाना है पशु तो भाई 30 तारीख से 30 जनवरी से पहले पहले आपको वहाँ एंट्री करानी पड़ेगी दूध वाली भैंस की। उसके बाद कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी सबको एक ही जगह रखने का फैसला कर लिया कमेटी ने, जैसे अभी BFA ने रखा था। तो भाई एक अच्छी शुरुआत है PDFA के द्वारा भी। काफ़ी भाइयों के फ़ोन आ रहे थे कि भाई जैसे BFA का जो मेला है इसमें ये भाई बुस्टिन को रोकने में कामयाब रहे, आगे मेले कैसे होंगे। देखो भाई पंजाब वाले भाइयों ने तो काफ़ी इसको रोकने के लिए काफ़ी ठोस कदम उठाए हैं, क्योंकि उन्होंने तो ऐलान किया है कि भाई अगर कोई भाई पकड़ा जाता है हेराफेरी करता हो तो उसको 5 साल तक मेले में उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, सस्पेंड कर दिया जाएगा 5 साल तक। तो देखो ये चोर बाजारी बहुत ज़्यादा हो रही थी और एक आम किसान को आगे नहीं आने दिया जा रहा था, लेकिन जैसे ही BFA ने भाई शुरुआत की तो PDFA ने भी अच्छी शुरुआत की है। काफ़ी भारी भरकम इनाम दी जाती है, लगभग 50-55 लाख रुपए की इनाम वहाँ पर दी जाती है। वहाँ गायें भी होती है मिल्किंग वाली और भाई भैंस भी होती है, नीली रावी भी और मुर्रा भी दोनों। तो भाई जो इनाम है वो है बुलेट मोटरसाइकिल है और लगभग 10 नंबर तक इनाम दी जाती है। फर्स्ट वाले को बुलेट है, दूसरे वाले को जैसे 1 लाख, ऐसे ऐसे करके 10 नंबर तक इनाम दी जाती है। ऐसे नीली रावी में है और गाय में भाई ट्रैक्टर है, क्योंकि गाय का क्रेज पंजाब में ज़्यादा है तो उसके लिए वहाँ स्पेशल इनाम रखते हैं वो। लेकिन फिर भी मुर्रा के लिए भी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है और एक आम पशुपालक के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि भाई उसका भी कहीं ना कहीं नंबर आ सकता है। जिस किसी भी भाई ने अपनी भैंस की तैयारी कर रखी है मेले के लिए, क्योंकि मेला अभी थोड़ा टाइम है, लगभग 1.5-2 महीने का टाइम है, किसी की सोने वाली है या किसी की सोई हुई है तो भाई अच्छे दूध वाली है तो ज़रूर लेके जाओ। देखो इनाम में आती है नहीं आती है वो एक अलग बात है, लेकिन मेले में जाने के बाद काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिल जाता है। ये पता चलता है कि भाई हम कैसा पशु रख रहे हैं, कैसी हम उसकी केयर कर रहे हैं, क्या कुछ वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो मेले की तैयारी करो वैसे भी और अच्छा पशु है तो ज़रूर लेके जाओ। वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों का धन्यवाद। राम राम।